हेलो स्टूडेंट्स यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूंग गुड टूडेज टॉपिक इज मैप अ हेल्पफुल गाइड पॉइंट्स टू स्टडी मैप लैंग्वेज ऑफ अ मैप टाइप्स ऑफ मैप डायरेक्शन एंड स्केल्स ऑन अ मैप कलर्स ऑन अ मैप साइंस एंड सिम्बल्स रेडी स्टडी स्टार्ट बिफोर रीडिंग दिस लेसन लुक ऑन अ मैप एंड ऑब्जर्व इट केयरफुल ये आप खुद से करेंगे मैप अ मैप इज अजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस It can represent the whole surface of the earth or part of it on a paper. Like a globe, a map also shows physical, political and other features of the earth. It also shows land and sea distribution, the shape of the continents and the oceans. Okay. Dekhe. मैप क्या होता है एक पेपर पे बना हुआ होता है और वो रिप्रेजेंट करता है उसी तरीके से जिस तरीके से एक ग्लोब पर अर्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है एक पीस ऑफ पेपर पे आप एक कंट्री देख सकते हैं कंट्री के अलावा जितने भी अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं पॉलिटिकल फीचर्स है वो सारे देखे जा सकते हैं ठीक है थीके? अब आगे बढ़ते हैं Maps can be drawn to show the entire world, a single continent, a country, a city or a neighborhood. We also use maps in our daily life. A collection of map is called an atlas. मैप्स कैन भी फोल्डेड और रोल्ड एंड कैप्ट एनी वेयर एंड इवन इंक्लूडेड इन बुक्स मैप्स है ओके देखिए मैप्स जो है वो कहीं पर भी ड्रॉ किए जा सकते हैं वो सिंगल किसी भी सिंगल कॉन्टिनेंट कंट्री वो सिटी या फिर उसके नेबरहुड को दिखा सकते हैं ठीक है जो कलेक्शन होता है मैप्स का उसे हम एटलास बोलते हैं और मैप्स को आप इजिली रोल करके कहीं पर भी रख सकते हैं या कैरी भी कर सकते हैं ठीक है नाओ

मैप जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स की हर मैप अलग लैंग्वेज को यूज करता है जैसे कि कलर साइन सिम्बल्स ओके ये यूज किए जाते हैं क्लियरली बताने के लिए कि मैप में कौन सी जगह कहाँ पे है ओके नाओ टाइप्स ऑफ मैप

अ पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स इन अफ कंट्री देखिए पॉलिटिकल मैप क्या करता है हमें बाउंड्रीज दिखाता है अलग अलग कंट्रीज की स्टेट्स की या फिर उस कंट्री के प्रॉपर बारे में ओके एक्स्ट्रा शॉट्स पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स गिराडस मार्केटर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कार्टोग्राफर्स ऑफ द वर्ल्ड ही बिलोंग टू जर्मनी देखिए, वो लोग जो मैप बनाते हैं उन्हें हम कार्टोग्राफर्स कहते हैं और जो पहले कार्टोग्राफर थे उनका नाम था गरार्डस मर्कैटर ये जर्मनी से बिलोंग करते थे ओके नाउ फिजिकल मैप अ फिजिकल मैप शोज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड अ कॉन्टिनेंट और अ कंट्री इट शोज माउंटेन्स रिवर्स लेक्स एक्सेट्रा अ फिजिकल मैप इसको ऑल्सो कॉल्ड अ रिलीफ मैप ओके देखिए फिजिकल मैप जो है वो किसी भी एक एरिया का फिजिकल फीचर्स दिखाता है ठीक है वर्ल्ड का फिजिकल फीचर्स दिखाता है कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है कंट्री के बारे में बताता है माउंटेन्स लेक्स रिवर्स ये सारी चीजें हमें दिखाता है ओके okay? इसे रिलीफ मैप भी बोला जाता है क्लाइमेटिक मैप अ क्लाइमेटिक मैप शोज टेम्परेचर रेनफॉल डायरेक्शन ऑफ ओल्ड वेंस प्रेशर एसेट्रा सच अ मैप गिज अ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ओके देखिए क्लाइमेटिक मैप जो होता है वो किसी भी एक एरिया का टेम्परेचर रेनफॉल डायरेक्शन ऑफ वेंस प्रेशर ये सारी चीज़ें दिखाता है मतलब कि पर्टिकुलरली एक एरिया का क्लाइमेट हमें बता रहा है ठीक है डिफरेंट कलर्स का यूज किया जाता है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन को एक्सप्लेन करने के लिए मैप्स पर ओके वेजिटेशन मैप अ मैप दट शोज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट वेजिटेशन सच एज काइंड ऑफ फॉरस्ट ग्रास लैंड प्लाट्स एक्सेट्रा इज नॉन एज अ वेजिटेशन मैप एक वेजिटेशन मैप पर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है डिफरेंट वेजिटेशन का जैसे कि फॉरेस्ट ग्रास लैंड प्लांट्स ओके इसे हम क्या कहते हैं वेजिटेशन मैप बोलते हैं रोड मैप रोड मैप शोज मेजर ऑफ माइनर हाईवे रोड्स एयरपोर्ट रेलवे ट्रैक्स सिटीज एंड अदर एरिया रोड मैप जो है वो मेजर और माइनर दोनों तरीके के हाईवे रोड्स एयरपोर्ट रेलवे ट्रैक्स ये सारी चीजें शो करता है ओके डायरेक्शन एंड स्केल ऑफ अ मैप फॉर द कन्वीनियंट रीडिंग ऑफ अ मैप वी मस्ट नो द डायरेक्शन यूज ऑन अ मैप द टॉप ऑफ द मैप इज ऑलवेज नॉर्थ the bottom always represents south the right hand shows east and the left hand side represents west this why there are four sub directions also north east

फोर मेन डायरेक्शन जैसे हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं वो है आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ओके नॉर्थ आपका अप मतलब के ऊपर की जगह पे होता है मैप में ठीक है बॉटम में आपका साउथ होता है लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वेस्ट होता है वहीं राइट हैंड साइड पे आपका ईस्ट होता है इसके अलावा कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं जैसे कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वहीं साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट होता है ओके okay? आगे बढ़ते हैं scale is the most important component of a map no map can be drawn without a particular scale a map cannot show the actual distance between two places so we use a scale to show the distance this is called the scale of a map in a map the scale is given as one centimeter to 100 kilometer it means that one centimeter represents 100 kilometer of the distance on the south of the Earth. If on a map the scale is given as one centimeter to hundred kilometer, it means one centimeter represents hundred kilometer of the distance on the surface of the earth. Okay, dekhe. स्केल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है मैप का ओके okay? नो no, कोई भी मैप बिना स्केल के बनाया नहीं जा सकता है और स्केल जो होता है वो एक्चुअल डिस्टेंस शो करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक का ठीक है नाओ देखिए अगर मैप पे स्केल दिखाया गया है वन मी सेंटीमीटर इज कॉल टू हंड्रेड किलोमीटर इसका मतलब ये है एक सेंटीमीटर आपका कितने का है हंड्रेड किलोमीटर का है तो मतलब कि ये प्लेस का डिस्टेंस बता रहा है ओके okay? आइए देखिए आगे बढ़ते हैं लीनियर स्केल इज एन अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इन दिस अ लाइन इज ड्रॉन एंड डिवाइडेड इन टू मेनी पार्ट ईच पार्ट ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट सम ग्राउंड डिस्टेंस ओके देखिए लीनियर स्केल जो होता है ये दूसरा वे होता है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए साइड में आपके एक मैप दिखाया गया है उसमें बताया गया है कि लीनियर स्केल किस तरीके से बनाया जाता है ओके एक्स्ट्रा शॉर्ट्स द स्केल इज जनरली मेन्शन एट वन कॉर्नर ऑफ द मैप स्केल जो बताया जाता है फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्नर पे स्केल बताया दिया जाता है कि एक सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है ओके कलर्स ऑन अ मैप अ यूनिफॉर्म कलर स्कीम इज used इन ऑल द maps. डिफरेंट colors आर used टू शो वेरियस landforms. Following फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ which show शो पर्टिकुलर स्कीम ओके देखिए एक यूनिफॉर्म कलर का एक यूनिफॉर्म कलर स्कीम यूज़ की जाती है मैप्स पर डिफरेंट कलर्स को शो करने के लिए और डिफरेंट वेरियस लैंडफॉर्म्स को शो करने के लिए ठीक है नाव नीचे लिस्ट बताई गई है कि कौन कौन से कलर्स इस वे में यूज किए जाते हैं जैसे कि ब्लू ब्लू कलर डेनोट्स वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स ओशन सीज लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज लाइट ब्लू इट इंडिकेट्स शैलो वाटर ऑफ द सी डीप ब्लू

हाँ जितने भी लैंडफॉम्स होते हैं उनकी स्कीम्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं और डिफरेंट कलर्स शो किए जाते हैं ठीक है अब जो डिफरेंट कलर शो किए जाते हैं वो कौन कौन से कलर्स होते हैं कि जो लैंड के बारे में हमें बताते हैं जैसे कि ब्लू कलर है ब्लू कलर जो है वो डिनोट करता है वाटर बॉडीज को जैसे कि रिवर्स लेक्स ओशन सीस ये सब हो गया ठीक है लाइट ब्लू कलर है लाइट ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि किसी भी सी का शैलो पानी है शैलो वाटर है ठीक है डीप ब्लू इंडिकेट करता है डीप वाटर बॉडीज को ग्रीन जो है वो इंडिकेट करता है प्लेन या फिर प्लेन एरिया या फिर लो लैंड एरिया को ठीक है येलो और लाइट ब्राउन इंडिकेट करता है हाई लैंड्स को डीप ब्राउन इंडिकेट करता है हिल्स और माउंटेन्स को ठीक है नाउ कलर्ड मैप जो है ये बताते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लैंड के बारे में ठीक है नाउ साइन एंड सिम्बल्स देर आर मेनी फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस टेम्पल रिवर एंड ब्रिज आर सच फीचर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ दीज फीचर्स ऑन आर मैप सेवरल साइंस एंड सिम्बल्स आर यूज फॉर सच फीचर्स दीज सिंबल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप देर आर जनरल agreement ऑन the यूज़ ऑफ these symbols. सो so they are कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस ओके देखिए हमारे जो अर्थ के फीचर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कि टेम्पल रिवर ब्रिज ये सब क्या हो गए फीचर्स हो गए अब इन सारे फीचर्स को हम मैप पर नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बड़े साइज के होते हैं तो इनको दिखाने के लिए हम कुछ सिम्बल्स यूज़ करते हैं ठीक है और वो सिम्बल ईजीली हमें मैप को समझने के लिए ईजी रहते हैं ठीक है नाओ इन सिंबल्स को हम कन्वेंशनल सिंबल्स भी साइंस भी बोलते हैं ठीक है ओरल स्किल्स व्हाट डू यू मीन बाय अ मैप व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेजेस ऑफ अ मैप ये आप खुद से करेंगे गिवन बिलो आर सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स यूज्ड इन अ मैप ओके देखिए ये कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स बताए गए हैं जो कि मैप पर यूज किए जाते हैं जैसे कि पहला है आपका पीक एयरपोर्ट कैपिटल टाउन सिटी रोड रेलवे पाथ इंटरनेशनल बाउंड्री स्टेट बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री इंडस्ट्री माउंटेन पास रिवर हॉस्पिटल माउंटेन्स ओके ये सारे सिम्बल्स हैं इन सारे एरियाज के ओके की वर्ड्स क्लासीफाई टू अरेन्ज सम इन कैटेगरीज वेजिटेशन प्लांट्स इन जनरल कॉम्पोनेंट Any of the parts of which something is made. Let's recapitulate. A map is the representation of the earth's surface on a flat surface. Map can be folded or rolled and kept anywhere and even in included in books. Every map uses different colors, signs, and symbols. We use different types of maps for different details. There are four cardinal directions east, west, north, and south. स्केल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेट ऑफ अ मैप अ यूनिफॉर्म कलर स्कीम इज यूज इन ऑल द मैप सिविल साइंस एंड सिम्बल्स आर यूज ऑनप फॉर डिफरेंट फीचर्स स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे